सो गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपके ट्यूब चैनल डीके ऑनलाइन टेक पर। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे अगर आप यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को लेकर के यहाँ पे काफ़ी दिनों से जो है वेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे एक और ज़िलों में जो है भर्ती प्रक्रिया स्टार्ट कर दी गई है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे शामली ज़िले में, अगर आप यहाँ से यूपी के शामली ज़िले से बिलोंग करते हैं, तो यहाँ पे अब ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। तो यहाँ पे आपको जो है शामली ज़िले से, अगर आप यहाँ पे बिलोंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे शामली ज़िले से यूपी आंगनबाड़ी भर्ती प्रक्रिया को स्टार्ट कर दिया गया है, जिसकी लास्ट डेट यहाँ पे 11 जून रखी गई है। तो जो है यहाँ पे 11 जून लास्ट डेट इसकी रखी गई है, और ये भर्ती प्रक्रिया कल से स्टार्ट हुई है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे कल से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, और आज जो है 22 तारीख है, यानी 21 तारीख से ये प्रक्रिया स्टार्ट हुई है, और यहाँ पे आप 11 जून तक जो है इसमें ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। तो फटाफट आपको ऑनलाइन आवेदन कर देना है। तो चलिए आपको पूरा प्रोसेस दोस्तों आपको बताते हैं, और मैं जो है फुल स्टेप का वीडियो सेम इसी प्रकार से दोस्तों, किसी भी ज़िले का अगर ऑनलाइन प्रक्रिया यहाँ पर निकलता है, आपको सेम उसी प्रकार से ऑनलाइन आवेदन करना है। इसलिए आप लोग ध्यान से उस वीडियो को पहले पूरा देख लें, वॉच कर लें, किस तरीके से मैंने उसमें ऑनलाइन आवेदन करने के लिए तरीका बताया है, उसी उस तरीके को फॉलो करते हुए आप किसी भी ज़िले से अगर हैं, तो यहाँ पे सेम उसी स्टेप से आपको जो है अपना ऑनलाइन आवेदन करना है। उसका लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में, कमेंट बॉक्स में और आई बटन में दे दूँगा, जिसमें पूरा का पूरा मैंने ऑनलाइन फुल स्टेप वीडियो बताया है कि किस तरीके से आपको स्टेप बाई स्टेप सारी चीज़ें इसमें भरनी है। किसी भी ज़िले का अगर वैकेंसी यहाँ पे निकलता है, तो आपको सेम उसी प्रोसेस से ही यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन करना है, इसलिए मैंने उसका लिंक जो है यहाँ पे दे दिया है। इस वीडियो में आपको सिर्फ बताऊंगा कि इस तरीके से आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि शामली ज़िले में ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट होगी। चलिए क्रोम ब्राउजर में ओपन करते हैं यूपी वेबसाइट की जो है ऑफिशियल वेबसाइट यूपी आंगनबाड़ी विभाग की। तो यहाँ पे बाल विकास यूपी .gov.in ये है ऑफिशियल वेबसाइट। इसे डेस्कटॉप शॉर्ट मोड पर यहाँ से कर लेंगे। तो डेस्कटॉप साइड मोड पर करने के बाद दोस्तों, देखिए यहाँ पे अगर आप यहाँ पहले पेज पर आते हैं, तो यहाँ पे देखिए आपको रिक्वायरमेंट का भी एक ऑप्शन मिल जाता है, नहीं तो आप यहाँ देखेंगे रेड कलर में, ये यहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है। रिक्वायरमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे आपको देखेंगे अप्लीकेशन फॉर्म फॉर आंगनबाड़ी वर्कर, मिनी आंगनबाड़ी वर्कर्स एंड आंगनबाड़ी हेल्पर। तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस ओपन हो जाता है। यहाँ देखेंगे ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए, यहाँ पे आपको ऑनलाइन करने से पूर्व कितने बातों को यहाँ पे ध्यान रखना है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे पढ़ लेनी है। जी हाँ, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं कि इसमें किन किन चीज़ों को जो है उपयोग करना है, किन चीज़ों का नहीं उपयोग करना है। जैसे कि यहाँ पे स्पेल करेक्टर का इस्तेमाल आपको बिल्कुल भी नहीं करता है फॉर्म भरते वक्त, और फॉर्म जो है आप पूरा हिंदी में भरेंगे, पूरा का फॉर्म आपको हिंदी में भरना है। ये सारी डिटेल पढ़ने के बाद दोस्तों, अगर कोई कॉन्टैक्ट नंबर आपको चाहिए, देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है, ईमेल आईडी भी दी गई है। कोई दिक्कत होती है, इन नंबरों पर इस ईमेल पर करके आप संपर्क कर सकते हैं। साथ ही यहाँ देखेंगे यस का ऑप्शन दिया है, सारे जो है टर्म्स कंडीशन पढ़ने के बाद यहाँ पर यस के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है आपको। यस के ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक कर देंगे, तो आपके सामने एक नया इंटरफेस आ जाता है। जी हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे जनपद सिलेक्ट करने का, पहले तो यहाँ पे स्टार्टिंग में 8 जिलों में भर्ती हुई, उसके बाद अब जो है यहाँ पे ज़िलों को बढ़ाया जा रहा है धीरे धीरे करके। इसलिए आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही यहाँ पे चेक करना है कि हमारे ज़िले में भर्ती स्टार्ट हुई है या नहीं। अगर आपके ज़िले में ऑनलाइन भर्ती होती है, तो भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। अगर ऑफलाइन भर्ती होती है, फिर भी मैं आपको बताऊँगा वीडियो के माध्यम से। इसलिए आप जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले वीडियो की मिल जाए, ताकि आप इसका लाभ उठा सकें। तो देखिए अब यहाँ पे पहले कुशीनगर में स्टार्ट हुआ, जिसका मैंने वीडियो बनाया, उसके बाद यहाँ पे शामली में भी अब स्टार्ट हो गया है। तो यहाँ पे शामली वाले पर क्लिक कर देंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे शामली ज़िले का सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ब्लॉक का नाम दिया गया है। तो फिलहाल अभी इसमें सिर्फ 5 ब्लॉक का नाम शो हो रहा है। अगर यहाँ पर और भी ज़्यादा ब्लॉक होंगे, तो यहाँ पर धीरे धीरे करके वो शो होना स्टार्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे आप इनमें से कोई भी ब्लॉक चाहें, तो उसे आप यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे ग्रामीण का दिया गया है, ग्रामीण या शहरी से हैं उसे सिलेक्ट कर लें। उसके बाद आपका यहाँ पे ग्राम सभा का नाम आ जाएगा। ठीक, यहाँ पूरा पूरी जितने भी ग्राम हैं, यहाँ पे देखिए स्टार्ट हो जाएंगे सो होना। तो आपका जो भी यहाँ पे ग्राम है, उसे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अब यहाँ पर आप देखेंगे कि आपके ग्राम में कौन सा पद खाली है। तो यहाँ देखेंगे इस ग्राम में जो है 2 पद खाली हैं, एक आंगनबाड़ी सहायिका के, एक आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री के।
तो यहाँ पे अगर आप सहायिका के लिए करना चाहते हैं तो सहायिका को सिलेक्ट करेंगे। सहायिका के लिए ऑनलाइन आवेदन करने कितने यहाँ पे क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, सारे वीडियो मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर रखे हैं। प्लेलिस्ट में भी आप जाएंगे तो वहाँ पे मैंने पूरी प्लेलिस्ट बना रखी है यूपी आंगनबाड़ी भर्ती की, उसमें देखेंगे सारी वीडियो आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे सहायिका के लिए जो है 5वीं पास होना बहुत ही आवश्यक है। अगर कार्यकर्त्री के पद पर करें तो 10वीं पास होना आपको आवश्यक है। तो देखिए यहाँ पे कार्यकर्त्री का ही सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ पे सर्च करें पर क्लिक करेंगे। ठीक है, सर्च करें पर क्लिक करेंगे तो देखिए आपके सामने इस तरीके का पूरा ब्यौरा आ जाता है निकल करके। तो यहाँ देखेंगे कि रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का कोड आ गया है और यहाँ पे रिक्त आंगनबाड़ी केंद्र का नाम यहाँ देखेंगे गोमतीपुर सेकेंड, और यहाँ पे श्रेणी है अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग यहाँ पे जो है अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद एक पद खाली है और अप्लाई करने के लिए दोस्तों देखिए यहाँ पे ग्रीन कलर का अप्लाई बटन दिया गया है, तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे क्लिक कर देने के बाद दोस्तों आपके सामने मोबाइल नंबर पर ओटीपी वाला ऑप्शन आ जाता है जो कि यहाँ पे मेन होता है। तो देखिए यहाँ पे आएंगे आप तो यहाँ पे पंजीकरण, यहाँ पे देखेंगे समस्त प्रविष्ट हिंदी में यूनिकोड आधारित फॉन्ट में भरे, तो यहाँ पे आप सारी भाषाएं जितने भी फॉर्म भरनी है सब हिंदी का ही प्रयोग करना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पे पंजीकरण करने के लिए आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है, तो जन्मतिथि डालना है, जन्मतिथि वही डालें जो आधार से मैच होता हो। और यहाँ पे एक कैप्चर कोड डालने के बाद सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी आएगा, ओटीपी भरने के बाद आपके सामने फॉर्म ओपन हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पे ऑनलाइन अप्लाई नहीं करूँगा क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई मैंने पहले से ऑलरेडी कर रखा है, उसका लिंक मैंने आई बटन में और वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिस्ट में कमेंट बॉक्स में भी दे दूंगा, वहाँ से आप लोग वॉच कर लीजिएगा। क्योंकि पूरी यूपी आंगनबाड़ी भर्ती में कहीं किसी भी ज़िले से अगर निकलती है भर्ती तो सेम उसी प्रोसेस से ही आपको ऑनलाइन आवेदन करना है, किसी अन्य प्रोसेस से नहीं। तो आप लोग उस वीडियो को पहले वॉच कर लें किस तरीके से मैंने उसमें बताया है सारे डिटेल को, स्टेप बाई स्टेप फुल तरीके से वहाँ पर आप उसे वॉच कर लें, उसके बाद ही ऑनलाइन आवेदन करें। तो यहाँ पे दोस्तों अगर आप किसी अन्य जिले से भर्ती निकलती है तो हम आपको वीडियो के माध्यम से जरूर सूचित करेंगे, बस इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, साथ ही बेल आइकन दबाने के बाद ऑल नोटिफिकेशन इनेबल जरूर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में एक और नई जाने के साथ। बोले थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद।